हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नैतिक टीवी को, साथ ही इस बेल आइकन घंटी को करें ऑल पर सिलेक्ट। अगर बाबा साहब ने समता का अवसर नहीं दिया होता तो शायद आज हम लोग यहां नहीं खड़े होते। मैं आज पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया, ये नसीहत आप सब लोगों को, कि जब माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पहले वक्ता बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे, किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन होता है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं, अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहां वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री, मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा दो तीन बार मैंने माननीय अध्यक्ष से कहा कि देखना बंद तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रवणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, पैरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महात्मा रामस्वरूप वर्मा, माँ छलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ अहिल्या बाई होलकर, माँ फातिमा शेख, माँ रमा बाई, माँ सावित्री बाई फुले, आप सबको भी नमन करता हूँ। माँ उदादेवी पासी, इस देश के जो वीर शहीद है उनको मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल धनसिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और मेरे गुरु मेरे आदर्श माननीय साहब श्री काशीराम को। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 1890 में चले गए,